हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंग्विनल कैनाल की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसका मैकेनिज्म, क्योंकि इंग्विनल कैनाल एक कैनाल है। मैंने आपको फीमोरल कैनाल में भी बताया था कि वीकनेस का चांसेस है, यहाँ पे भी ये एक वीकनेस है। इंग्विनल कैनाल भी एक वीकनेस है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, इसकी वजह से भी हर्निया हो सकता है, उसे कहते हैं इंग्विनल हर्निया। उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी अगर बात करें तो ये एक वीकनेस है तो हमें कुछ कंपेंसेशन चाहिए होती है। कंपेंसेशन मतलब कि वीकनेस से कैसे बचा जाए। तो इसमें जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है इंग्विनल कैनाल का, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो है ओब्लिक्विटी ऑफ कैनाल। मतलब कि हमारी कैनाल जो थी उसको अगर आप देखेंगे तो ये ओब्लिक थी, मतलब ऐसे टेढ़ी जा रही है। तो मतलब जब भी ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब इधर एब्डोमन है पीछे, ठीक है, ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस था, ये एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोनिरोसिस थी, इस तरफ एब्डोमन है, तो इसका अगर प्रेशर बढ़ेगा, एब्डोमन से कोई प्रेशर बढ़ता है तो ये ऐसे बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बंद होगी तो ऐसे टेढ़ी है, तो आमने सामने तो इसका सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग और डीप इंग्विनल रिंग लाई कर नहीं रहे, तो इस वजह से दोनों रिंग्स अपोजिट होने की वजह से ये इस तरह बंद होती है कि कोई भी एब्डोमन का कंटेंट बाहर नहीं आ पाता। इसको हम बोलते हैं फ्लैप वॉल्व मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैप वॉल्व मैकेनिज्म। नेक्स्ट है शटर मैकेनिज्म। अच्छा, तो शटर का काम कौन करता है? शटर मैकेनिज्म में हेल्प करता है इंटरनल ओब्लिक मसल। इंटरनल ओब्लिक हमने आपको बताया था कि इंग्विनल कैनाल में इंटरनल ओब्लिक के तीन तीन रिलेशन आए थे, ये इंटरनल ओब्लिक था। ठीक है, तो ये क्या आया था? एंटीरियर वॉल में भी आया था, रूफ में भी आया था, ऊपर से गया था, और यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल में भी आया था कॉन्जॉइंट टेंडन बन के। तो इसके तीन रिलेशन होते हैं, एंटीरियर वॉल भी बनाता है, रूफ भी बनाता है और पोस्टीरियर वॉल भी बनाता है इंग्विनल कैनाल की। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, ये इंटरनल ओब्लिक ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, इस तरह से ये बंद हो जाती है कैनाल, तो इसको बोलते हैं शटर मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रूफ जो है फ्लोर के पास आ जाता है, जिसकी वजह से बंद हो जाती है इंग्विनल कैनाल और कोई भी कंटेंट एब्डोमन का बाहर नहीं आ पाता। इसमें ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस भी इस मैकेनिज्म में पार्ट लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बॉल वॉल्व मैकेनिज्म। क्रीमेस्टर मसल जो है वो क्या करती है? टेस्टिस को सस्पेंड करके रखती है। तो जब क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर की तरफ आएगा, टेस्टिस भी ऊपर की तरफ आएगी, जिसकी वजह से सुपरफिशियल इंग्विनल जो रिंग थी वो हो जाती है बंद। तो जब भी कोई प्रेशर बढ़ता है तो क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिस वजह से कोई भी कंटेंट एब्डोमन का बाहर नहीं आ पाता। अब नेक्स्ट जो है वो है स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म। तो स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म में क्या होता है? एक्सटर्नल ओब्लिक की बात होती है इसके अंदर। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो ये जो दोनों क्रूरा जो है ना, एक ये वाला क्रूरा एक ये क्रूरा, ये दोनों ऐसे पास आ जाते हैं और ये बंद हो जाती है कैनाल। तो स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म एक्सटर्नल ओब्लिक की वजह से होता है, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से दोनों क्रूरा क्या होंगे, सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग के पास आएंगे और इंग्विनल कैनाल बंद हो जाएगी। अच्छा, अब हमने इसमें ये देखा ना कि बॉल वॉल्व मैकेनिज्म और स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म दोनों में सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग की बात हुई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अब इजी इजी पॉइंट रह गए कि सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग को पीछे से कौन गार्ड कर रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। पोस्टीरियर जो उसकी हमने बात की थी ना, पोस्टीरियर वॉल की, उसके अंदर आया था कॉन्जॉइंट टेंडन और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट, ये पीछे से गार्ड कर रहे हैं सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग को। इसी तरह से डीप इंग्विनल रिंग को आगे से कौन गार्ड कर रहा है? तो डीप को आगे से गार्ड कर रही थी इंटरनल ओब्लिक मसल, फ्रंट से गार्ड कर रही है उसको। और एक पॉइंट होता है इसके अंदर, हॉर्मोन्स। तो हमने सात ऐसे एक मैकेनिज्म की बात की। तो इसका एक ट्रिक है, ओब्लिक्विटी को आप याद रख सकते हैं ऑफ से, ओ एफ। ठीक है, शटर मैकेनिज्म को आप याद रख सकते हैं IOS। IOS मतलब इंटरनल ओब्लिक शटर मैकेनिज्म शो करती है। नेक्स्ट है बॉल वॉल्व मैकेनिज्म, इसको आप याद रख सकते हैं BC से, बॉल वॉल्व मैकेनिज्म क्रीमेस्टर मसल। नेक्स्ट है स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म, इसको आप याद रख सकते हैं SEX, एक्स से। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक EX, एस से बन गया स्लिट वॉल्व। तो ये है याद करने के तरीके, ऑफ, IOS, BC और सेक्स, ये चार वर्ड्स आप इसको इजीली याद रख सकते हो। बाकी जो तीन रह गए वो इजी हैं, सुपरफिशियल को कौन गार्ड कर रहा है, डीप को कौन गार्ड कर रहा है, और एक पॉइंट हो गया हॉर्मोन्स। तो ये हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ द इंग्विनल कैनाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।